आप लोगों से सूक्ष्म रूप से आप लोगों से वार्ता हुई और सबसे पहले पारिवारिक स्थिति को जानने के बाद हम वार्ता करें तो ज्यादा अच्छा है कल के दिन पर यही बात। आज परिस्थिति बड़ी स्पष्ट है। सबसे पहले तो मैं जो अफवाहों का बाजार गर्म है जिसके लिए सरकार और प्रशासन दोनों ही चिंतित होते हुए हमसे बात करना चाह रही थी उनके बारे में स्पष्ट कर देना चाहता हूं। हम जाति के किसी के खिलाफ नहीं है, हम हमारे पक्ष में है। हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम हमारे पक्ष में है। और इस तरह के नरसंहार के बाद में जिसमें जो मुलजिम है बताया जाता है, जिन पर आरोपित हैं, मुलजिम तो क्या है, आरोपित हैं, उनमें से जो गिरफ्तार हुए हैं उनमें तीन जातियों के लोग तो हैं, तो कोई जातीय संघर्ष हो रहा हो इस तरह की परिकल्पना करना भी हमसे तो बहुत, हमारे लिए तो बहुत ज्यादा गलत हो जाएगा। पर सबसे ज्यादा गलत हो जाएगा जो कुछ उस परिवार में, परिवार के साथ हुआ है। सुरेंद्र सिंह जी के परिवार के तीन तीन सदस्य, राणा प्रताप सिंह खुद और महंत जी के 8 उनकी बच्चियां या पोतियां हैं जो 8-10 साल की हैं उस परिवार में, 8 बच्ची हैं। 2 सुरेंद्र सिंह जी के परिवार में पोती हैं, 5 पोते हैं। 4 राणा प्रताप सिंह की परिवार में जिनकी डेथ हो गई, 2 बेटे, और महंत जी के परिवार में 2 बेटे 1 बेटा। मैं चाहूंगा आप वहां मौजूद हैं, आपके प्रतिनिधि वहां पर मौजूद हैं, पर पूरा प्रदेश पूरा देश इस चीज को महसूस करे कि उनके साथ में क्या हुआ है। बच्चे लोगों ने श्री राजपूत कर्णी सेना के प्रदेश के अध्यक्ष हैं हमारे बीके सिंह, इन सब लोगों ने व्यवस्था की थी कि हम आर्थिक तौर पर सहयोग करेंगे। क्या करेंगे, ये इकट्ठा कर रहे थे शायद 10-12 लाख रुपया ऐसा कुछ हुआ भी था। फाइनली जब चर्चा में आने के बाद सुना कि यहां पर इस तरह की व्यवस्थाएं ऑलरेडी हो रही हैं सरकार के अलावा आर्थिक तौर पर, तो मैंने कहा सिर्फ जो चल रहा है उससे कहीं अलग हम सबके हट के सभी परिजनों के विधवाओं के हमने नंबर बैंक अकाउंट नंबर लेने की कोशिश की है और हम इस 5-10 लाख के झगड़े में नहीं पड़ेंगे। हमने पूरी बच्चियां गोद ली है, पूरा खर्चा पढ़ने का, शादी का, अगर वो काम करना चाहे तो वहां तक का, और आर्थिक तौर पर कुछ सहयोग अगर सरकार करे, ये सरकार की पहल है, सरकार को करना चाहिए, क्यों नहीं कर पा रही है, जो कुछ भी किया है इसमें भी सरकार का सहयोग रहा होगा, गिरफ्तारियां हुई है, ये हुआ है, कुर्की हुई है, वो हुआ है, जो भी कुछ हुआ है, पर इतना सब होने के बावजूद भी एक नरसंहार में जिस तरह से सहयोग होता आया है सरकार के तौर पर, मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि नरसंहार में 5 की स्वर्गवास हो जाने पर नरसंहार है या 8 के 12 पर हो जाने पर होता है या 4 के, मुझे इस गिनती का अभी तक कहीं रिकॉर्ड मिला नहीं है। मैं तो ये मानता हूं जघन्य अपराध है, जितनी इसकी निंदा की जाए, जितनी इसकी प्रशंसा की जाए उतना ही कम है। एक रहा ये आर्थिक पहलू जिस पर सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रही है मुझे इसका पता नहीं है। मेरे लिए अच्छी बात सुनने में यह आई है सभी सामाजिक संगठन, सभी राजनीतिक पार्टियां जाति धर्म से इतर हटकर वहां पर मोहम्मदपुर में पहुंची हैं, सभी लोग, राजपूत ही नहीं, राजपूतों के अलावा भी बहुत से लोग जो राजनीतिक पर सरकार होती है, सरकार अभी तक नहीं पहुंची है। कल भी मैं यहां से कहते कहते निकला था, मुख्यमंत्री हमारे मित्र हैं, मैं सीधा सीधा उन्हीं पर आरोप तो नहीं लगा रहा हूं पर उपेक्षा रख रहा हूं, खुद उनकी तरफ से कुछ इस बारे में बयान आए, खुद उनकी तरफ से कुछ घोषणा हो, चाह रहे हैं 5-7 दिन में बहुत कुछ हुआ होगा, जो हो गया
अब हो गया जिसको कल पत्रकारों ने बहुत आपकी मांग क्या है, मैंने कहा ये पांचों लोग वापस आ जाएं, ये मेरी मांग है। अरे ये तो अब काली जी, तो फिर मेरा अधिकार है आर्थिक तौर पर सहयोग हो उनको, प्रशासनिक तौर पर पूरा इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और जो एक मनोज नाम का बच्चा जो अभी तक जीवंत है, कल तक जहां कोई भी घुस सकता था और वहां पर इन्फेक्शन तक का अंदेशा आने लग गया था, उसे सरकारी तौर पर दिल्ली ट्रांसफर कर दिया जाए। सरकार अगर अपने को कुछ मजबूरी समझ रही है, कुछ असक्षम हो, तो श्री राजपूत करनी सेना सक्षम है, हम एयरलिफ्ट कर लेंगे और भेज देंगे। पर काम मैं उत्तरदायित्व ही समझाने आ रहा हूं कि सबसे पहले जो सरकार का काम है वो पूरा हो जाए, बाकी का काम तो हम कर ही लेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह जी का पहली बार स्टेटमेंट आया था, तब था कि गिरफ्तार नहीं हो रहे, मैं नहीं हो तो हम कर लेंगे, अगर प्रशासन ना कमजोरी महसूस कर रहा है तो हम कर लेंगे, हमने करे भी हैं, ऐसा नहीं है कि हमने करे भी नहीं है, हमने नहीं करे हैं। ऐसे मामलों में हमने उत्तराखंड में दो लोगों को पकड़ के पुलिस के हवाले कर भी दिया, तो ऐसा कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। पर सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात जो अभी समझ में आई है,